हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू टैलेंट क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न साइंस। आज हम लोग जो चैप्टर है थर्मल रेडिएशन है, उसमें विकिरण, इसका आज हम लोग पार्ट टू जानेंगे। अवशोषकता, पारगम्यता, परावर्तकता। अवशोषकता क्या है? किसी पृष्ठ द्वारा अवशोषित विकिरण की मात्रा तथा आपतित विकिरण की मात्रा का जो रेशियो है वो अवशोषण या अवशोषकता कहलाता है। किसी पृष्ठ द्वारा अवशोषित विकिरण की मात्रा, जो भी पृष्ठ जितना वो अब्जॉर्ब करेगा, अवशोषण करेगा, वो कुछ आपतित विकिरण भी करेगा, यानी कुछ एनर्जी उससे बैक होके निकल जाएगी, उसका रेशियो अवशोषण या अवशोषकता कहलाता है। और इसे हम स्मॉल ए से शो करते हैं। पारगम्यता की बात आती है। पारगम्यता क्या? किसी पृष्ठ द्वारा पारगमित विकिरण की मात्रा तथा आपतित विकिरण की मात्रा का जो रेशियो है पारगमन या पारगम्यता कहलाता है, और इसे स्मॉल टी से शो करते हैं। फिर हमारा है परावर्तकता। परावर्तकता को हम परावर्तन कहते हैं, जो हमारे हाई स्कूल स्टूडेंट है, हाई स्कूल में आपको परावर्तन के नियम पढ़ने को मिलेंगे, नाइन्थ में भी है परावर्तन के नियम, जब आप प्रकाश का नाम का चैप्टर पढ़ेंगे। तो परावर्तकता क्या, आप देखिए नाम में थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन काम वही है। किसी पृष्ठ द्वारा परावर्तित विकिरण की मात्रा तथा पृष्ठ पर आपतित विकिरण की जो मात्रा, इन दोनों का जो रेशियो है वो परावर्तन या परावर्तकता कहलाता है। हम एक इक्वेशन द्वारा इनको प्रूव करेंगे। क्यू ए प्लस क्यू टी प्लस क्यू आर इक्वल ने क्यू लिया। अब हमने क्यू तो लिया, क्यू का हमने दोनों पक्ष में भाग कर दिया, तो क्यू ए अपॉन क्यू प्लस क्यू टी अपॉन क्यू प्लस क्यू आर अपॉन क्यू इक्वल क्यू अपॉन क्यू। क्यू से क्यू कैंसिल होके बना गया। अब आप देखिए तो हमने क्या लिखा, क्यू ए डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन या उपरोक्त परिभाषाओं के अनुसार क्यू ए अपॉन क्यू इक्वल हमने ए लिया, फिर क्यू टी अपॉन क्यू इक्वल हमने स्मॉल टी लिया, क्यू आर अपॉन क्यू इक्वल हमने स्मॉल आर लिया। अब हमने क्या किया, इन तीनों को ऐड कर दिया, किसे, अवशोषकता, पारगम्यता और परावर्तकता, और इनकी वैल्यू क्या अभी बन गई। क्वेश्चन हमारे यहाँ से बन सकता है कि अवशोषकता, पारगम्यता, परावर्तकता का जो सम है वो कितना होता है, वन होता है, कितना होता है, वन होता है। परावर्तन की बात करते हैं, जो फिगर के द्वारा हम आपको समझाएंगे, हमने एक समतल पृष्ठ लिया और हमने उसमें रे एक प्रकाश डाला, वो प्रकाश पहले गया और फिर बैक कर गया, तो एक ये वाला जो प्रकाश जो पृष्ठ पड़ रहा है ये परावर्तित है और जो बैक होकर जा रहा है ये आपतित। जय हिंद, जय हिंद।